तो और भाई लोग फिलहाल आ चुके एक और नई पबजी मोबाइल के तवाही भरी गेम प्ले वीडियो के साथ। तो फिलहाल हम लोग मिलिट्री बेस में आए थे, तो हमारे साथ क्या हुआ ना, यहाँ पर जो है दो स्क्वाड यहाँ पर जो है हमारे साथ भी आया। तो फिलहाल ये एक स्क्वाड जो है मिडिल सी बिल्डिंग में उतरा था और हम लोग जो है लास्ट सी बिल्डिंग में उतरे थे। तो मैंने अपने दोस्त को कॉल दे दिया जो है तू यहाँ पर लूट, मैं मिडिल में जाकर लूटूंगा। तो मैंने यहाँ पर जो थोड़ी सी गलती कर दी थी, तो यहाँ पर मरते मरते मैंने यहाँ पर बचा। तो क्या सीन होता है यहाँ पर आप देखिए। तो यहाँ पर मैंने जिस जैसे इस घर में घुसा तो मुझे यहाँ पर जो कोई भी बना मतलब गन नहीं मिला। तो फिलहाल आप सीन देखिए यहाँ पर क्या हो। सो गाइस, मेरा पीछे जो एनिमी आ चुका था तो उसके पास एक शॉर्ट गन था, मैंने जस्ट जंप कर रहा था मेरा मतलब इस विंडो से। तो फिलहाल मुझे यहाँ पर जो मरते 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 क्योंकि वो एक शॉर्ट लेता तो मैं यहाँ पर जो नॉक हो जाता। तो फिलहाल मैं यहाँ पर से निकल के उस लास्ट वाली जो सी बिल्डिंग है वहाँ पर चले जाता क्योंकि वहाँ पर जो बंदा नहीं था। तो फिलहाल वहाँ पर जाते। तो गाइस फिलहाल मुझे सी बिल्डिंग के टॉप से एक नेट मिला था और एक शॉर्ट गन मिला था, तो इसीलिए मैंने एक नेट कुक करके छोड़ दिया यदि मर जाए कोई, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। लेकिन इस नेट से कोई काम नहीं हुआ तो मैंने सी बिल्डिंग के अंदर घुस गया क्योंकि मुझे एक ऑटो गन चाहिए था। तो फिलहाल यहाँ पर दो दो शॉर्ट गन मिल चुका था, तो अब बारी थे गन खोजने की ऑटो गन। तो फिलहाल ढूंढ रहे थे। सो यहाँ पर सी बिल्डिंग छान करने के बाद मुझे M4 और DP मिल चुका था। तो फिलहाल मैंने एक बॉट को यहाँ पर ठिला दिया और मुझे यहाँ पर जो बॉट के अंदर से मैंने मतलब बॉक्स के अंदर से मुझे 7K एमो मिल चुका था। तो फिलहाल यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई थी क्योंकि लूट की प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो चुकी थी, मुझे दो ऑटो गन मिल चुका था। तो अब बारी था जो मिडिल सी बिल्डिंग के अंदर जो एनिमी था उन लोगों की, तो उन लोगों से कैसे फाइट लेते देखे। तो वो लोग क्या हुआ ना, वो लोग रास कर दे मेरा ऊपर। तो यहाँ पर सीन देखिए। सो वाला जो स्क्वाड है मेरे फ्री फायर के सामने आ गया और यहाँ पर जो स्क्वाड जो है फिनिश हो गया। तो फिलहाल इसी बीच लूटने के टाइम मुझे टावर के ऊपर से फायरिंग का शॉट्स आया मेरे ऊपर। तो फिलहाल टावर के ऊपर जो एक स्क्वाड था तो उसका बंदे को मैंने इसका एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया था, तब दूसरा बंदा बचा हुआ था तो उसको मारने के लिए मैं वहाँ पर मतलब टावर के ऊपर चढ़ ही रहा था। तो सीन देखिए क्या होता है। सो फिलहाल मैं टावर के ऊपर जा ही रहता तो इसी बीच मुझे एक बॉट दिखा, तो उसको DP का स्प्रे से उसको फिनिश कर दे। अब बारी था जो ऊपर वाले जो बंदे थे उसके ऊपर, सीन देखिए क्या होता है। तो इसी बीच क्या हुआ ना, मुझे घर के ऊपर से मैंने मतलब सी के बिल्डिंग से ऊपर से मुझे फायरिंग का शॉट्स आया। तो ये जो बंदा था ना उसका ही बंदा था, वो फ्लैंक करके वहाँ पर जा चुका था। तो फिर उसको कैसे फिनिश करते हैं देखिए। सो यहाँ पर फिलहाल जो है ये वाला जो स्क्वाड जो फिनिश हो गया, तो टोटल जो है पर दो स्क्वाड आए, तो टोटल दो स्क्वाड फिनिश हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर से थोड़ी बहुत लूट के यहाँ से निकल गए। तो हम लोग फिलहाल मिलिट्री बेस से निकल के इस फार्म के पास से जा ही रहे थे, मैं मतलब इस रोड के पास से उस वाले जो ब्रिज है वहाँ पर जा ही रहे थे ना, वो वाले ब्रिज में। तो फिलहाल हम मुझे यहाँ पर जो सामने बंदा दिख गया, तो इस जो घर है यहाँ पर, तो फिलहाल उसको रनिंग गाड़ी से कैसे फिनिश करते हैं देखिए, नॉक करते हैं सॉरी। तो फिलहाल आगे सीन क्या होता है देखिए। तो फिलहाल ये वाला जो स्क्वाड है फिनिश होगा, तो उसका बंदा जो है मतलब इस एनिमी का बंदा जो बॉट को नॉक करके रखा हुआ था। तो फिलहाल यहाँ पर जो है टोटल जो स्क्वाड जो फिनिश हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग यहाँ से निकल के नोवो के ब्रिज की तरफ जाने लगे। फिलहाल हम लोग नोवो के ब्रिज की तरफ जा ही रहे थे तो इसी बीच पता चल गया पीछे एक बागी है। तो फिलहाल उसको स्प्रे दिया, लेकिन सीन क्या हुआ ना, उसको थोड़ा सा डैमेज हुआ लेकिन उसका जो बंदा जो है बाहर निकला तो इस पेट्रोल पंप के अंदर। तो फिलहाल मैंने डैमेज दिया था तो इसलिए मैंने एकदम से गाड़ी उठा के इसके ऊपर रश कर दिया। सो फिलहाल यहाँ पर जो दो बंदे फिनिश हो गए, तो उसका पहला वाला बंदे को मारने में उतना इतना दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उसका दूसरा बंदे जो यहाँ पर आता ही स्नेक हो चुका था। तो कतई स्नेक होने के बाद यहाँ पर जो मैंने M4 का स्प्रे से यहाँ पर जो इसको भी फिनिश कर दिया, तो टोटल दो जो बंदे थे यहाँ पर फिनिश हो गया। तो अब यहाँ से निकल गए हम लोग। तो फिलहाल हम लोग मिल्टा के पास से जा ही रहे थे तो इसी बीच मुझे एक यामा बाइक वाला बंदा दिख गया, तो उसको कैसे स्प्रे दे के मारते देखे। तो बंदा जो एकदम अकेला था उसको कैसे मारते हैं देखिए। So over now.
यहाँ पर बंदा जो एकदम से वॉल में ठोक दे बाइक, तो उसके बाद उतरते ही एकदम से प्रॉन हो गया। तो ये जो ट्रिक्स जो है ये एकदम से हर बार नहीं काम करता है। तो यहाँ पर दो बंदे थे हम लोग, तो उसको पेलने में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो एकदम से आराम से फेल गया। फिलहाल हम लोग मिल्टा से निकल के इस शेल्टर की तरफ जा ही रहे थे, तो इसी बीच क्या होना, एक डासिया दिख गया जो है रोड क्रॉस करके इस घर की तरफ आ रहा था। तो फिलहाल उसको कैसे डैमेज देते और उसको कैसे फिनिश करते अब देखिए सीन। सो फिलहाल ये जो बंदा जो है मेरा टीममेट को नॉक कर दिया था, लेकिन मैंने टीममेट को यहाँ पर जो है सेव कर लिया। तो यहाँ पर दो बंदे को मैंने फिनिश कर दिया, लेकिन इसका दूसरा बंदा भी सेम ट्रिक्स अप्लाई किया, तो यहाँ पर जो मारने के टाइम में फिलहाल जो है प्रॉन हो गया, प्रॉन एंड शूट कर रहा था। लो ये जो ट्रिक्स है ना हर बार नहीं काम करता यार। तो फिलहाल जो है बंदा जो है पर फिनिश हो गया स्क्वाड। तो अब यहाँ से हम लोग रशिया लेके निकल गए। तो फिलहाल हम लोग वहाँ से लूट के जब शेल्टर के पास पहुँचे ना, तो कतई यहाँ पर जो एनिमी टीम जो है ना गाड़ी फाड़ी रोक के क्या ही मजा कर रहा था पता नहीं पत्थर के पास। तो फिलहाल उसको आराम से कैसे पेलते हैं देखिए। तो गाइस यहाँ पर सीन क्या हो पता नहीं, तो यहाँ पर जब मैंने इसका पहला बंदे को नॉक किया, तो उसका दूसरा बंदे जो एकदम ऐसा गांजा फांजा फूंक लिया था एकदम आगे की तरफ देख रहा था। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट से उसको फायर दे रहा हूँ, बंदे का कोई रेस्पॉन्स ही नहीं था। तो बंदा जो आई थिंक चैटपैट कर रहा था इसमें इसके अंदर गर्लफ्रेंड के साथ, तो पता नहीं क्या कर रहा था। तो बंदा जो एकदम से फिनिश हो गया, तो यहाँ पर स्क्वाड को टोटल फिनिश हो गया। तो हम लोग यहाँ पर से आगे की तरफ जाने लगे। फिलहाल शेल्टर से निकल के मैं यहाँ पर जो प्रिजन की तरफ पहुँच गया था, तो प्रिजन की तरफ जब यहाँ पर पहुँचा ना, तो भाई साहब आप सीन देखिए, तो बागी की रैली जो यहाँ पर निकल रहा है, तो एक एक बागी जो मेरे एकदम से क्लोज से भी निकला। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर जो है स्प्रे भी दिया, तो सीन देखे क्या होता है आगे। तो फिलहाल हम लोग यूएस लेके थोड़ा सा राइट से फ्लैंक करके जो है एकदम पत्थर के पीछे कवर लेके यहाँ पर आ चुके थे। तो फिलहाल यहाँ पर जो है सीन जो है मेरा जो बंदा जो एकदम सामने ही था और दूसरा बंदा जो एकदम पहाड़ के ऊपर था। तो फिलहाल कैसे सीन होता है मेरा तरफ फाइट होते देखिए। तो पहले बंदे को मारने के टाइम पे मैंने नेट जो कुक कर लिया था, तो इसीलिए नेट को जो है एकदम से अलग ही दिशा में छोड़ना पड़ा। तो उसके बाद मैंने डीपी के स्प्रे से बंदे को पहले नॉक किया, तो पहला बंदा तो नॉक हुआ, लेकिन दूसरा बंदे को यहाँ पर जो मॉली का इतना बौछार किया, तो मैंने मॉली किया तीन। तो उसके बाद मेरा दोस्त ने और एक मॉली फेंका, तो नेट भी फेंका, तो बंदा कॉन्फ्यूज हो गया और जो है मॉली से ही मर गया। तो फिलहाल जो यहाँ पर जो स्क्वाड जो है फिनिश हुआ, तो अब यहाँ पर से निकल रहे हैं। फिलहाल हम लोग डासिया लेके इस घर के पास पहुँच गए, तो यहाँ पर जो एक स्क्वाड था, तो फिलहाल स्क्वाड को फिनिश करेंगे, लेकिन ये जो स्क्वाड है वो लास्ट में फिनिश होगा। तो हम लोग तो यहाँ पर घूम ही रहे हैं, लेकिन सीन देखिए क्या होता है आगे। फिलहाल यहाँ पर थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पर जो एंगल नहीं मिल रहा था इस घर के अंदर, तो इसलिए मेरे टीममेट के पास एनिमी था, तो उसके पास मैं यहाँ पर पहुँच गया। तो बंदा जो एकदम वॉच टावर के अंदर से था, यहाँ पर देखिए सीन क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर मैंने एक को नॉक किया था, तो उसको नॉक करने के टाइम पे उसका दूसरा बंदा मेरे ऊपर स्प्रे लिया और जो मुझे नॉक कर दिया। तो फिलहाल यहाँ पर जो मैं यहाँ पर जो थोड़ी बहुत जो है मेरा टीममेट जो यहाँ पर रैप दे देता है, लेकिन इसी बीच क्या होता है मुझे रैप देने के टाइम पे फिलहाल और एक गाड़ी आ जाता है मेरा पीछे के साइड, तो इस पहाड़ के ऊपर। तो सीन देखिए इस बंदे को कैसे फाइट लेता है तो इस वाले स्क्वाड से, तो बाद में दिखेंगे।
सो इस बंदे को मारने के टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि क्या हो रहा है, जो नोकबंद पड़ा हुआ था तो उसके ऊपर जब बार बार जो है एम चला जा रहा था जब मैं एडीएस ऑन कर रहा था, क्योंकि मेरा एम एसिड जो है ऑन था। तो फिलहाल जब मेरा टीममेट ने एक को नॉक किया था तो उसको मतलब दूसरे बंदे को मैंने यहाँ पर गाड़ी लेके एकदम से रास करके फिनिश कर दिया। सो फिलहाल जो यहाँ पर जो और तीन बंदे बचे हुए थे, तो वो जो बंदे थे ना एकदम से जिस घर में मैंने पहले ही गया था तो उसी घर के ऊपर जो है बंदा था। तो फिलहाल यहाँ पर दिक्कत एक हो रही थी, मेरा जो यहाँ पर जो है जो चार्ज जो एकदम से ख़त्म हो गया था, 1% की चार्ज हो गया था। तो मुझे एयरफोन जो हटाना पड़ा और मुझे चार्ज में बैठाना पड़ा और गेम खेला था। तो यहाँ पर जो है रिकॉर्डिंग के टाइम पे थोड़ी सी फ्रेम ड्रॉप हो गई और जो है जो रिकॉर्डिंग जो होता है तो वो थोड़ा सा बिगड़ गया, तो आगे साउंड आ रहा है और पीछे जो है फाइटिंग का सीन आ रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाए तो माफ़ कर देना, तो बाद में नहीं होगा इस तरह का प्रॉब्लम। तो फिलहाल जो है लैग हो रहा है, आप जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे फ्रेम ड्रॉप हो रहा है। तो फिलहाल ऐसे गाड़ी लेके स्क्वाड को फिनिश करते हैं। देखिए जस्ट मेरे 1% की 2% चार्ज था इस मोबाइल के अंदर। फिलहाल गाड़ी लेके एकदम से घर के अंदर घुसा दिया और जो है मॉली फॉली फेंक दिया ऊपर। तो फिलहाल और एक बंदा जो है मेरे सामने ही था तो उसको स्प्रे दे दूँगा। फिलहाल जो M249 जिसको बंदे को मैंने स्प्रे दिया था तो वो तो बंदा तो नॉक नहीं हुआ था, लेकिन मेरा नेट से वो बंदा जो है फिनिश हो गया। तो उसका अब बारी था जो ऊपर जो दो स्क्वाड है, मतलब एक स्क्वाड है तो उस बंदे की। तो फिर मैं यहाँ पर जो सीन देखे क्या होता है।